Okay, so these days we have been hearing about ChatGPT, and as an educator, I can tell you that there has been a lot of questions with respect to the uses of ChatGPT in the field of education. So if I may recall that at one point of time when internet came into the picture, that there were some people who were very anti to this concept of internet, aur unka ye manna tha ki internet ke aane se jo class mein jo padhai hoti hai uska star gir jayega, the quality of education will fall down. And they were anti to this idea of internet coming into the picture and the student usage of the internet. But when the real usage started, now everybody in this generation has used internet. अब शायद वो सही समय आ गया जहाँ पे एक अगर another tectonic shift is happening, wherein the tech is now going to the AI version, artificial intelligence की तरफ जा रहा है. And we have heard news about ChatGPT, you know, funded by Microsoft, and there is another one by Google, which is Bard, coming into the question. So, अगर हम इस जगह पे देखें तो एक बहुत ही fundamental question आता है in terms of law student की life पे या in terms of higher education की पढ़ाई कर रहे students की life पे, कि what can ChatGPT do? So, इसके pros और cons हैं जैसे कि हर चीज़ के होते हैं. So, अगर pro की अगर हम बात करें कि what are the advantages of ChatGPT in a student life? जो पहला एडवांटेज है कि अब एक तरीके से इट हैज़ बिकम ईजी फॉर अ स्टूडेंट टू गेट आंसर्स इन अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट. मान के चलिए इफ आई वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम गूगल ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर, जस्ट एस फॉर द मैटर एक्सप्लेन इट टू मी अ टर्मिनोलॉजी, येस लोकस स्टैंडाई, देन इट विल गिव मी सेवरल ऑफ द वेबसाइट लिंक वेयर आई शुड गो एंड रीड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. But now this has changed fundamentally. Now once you ask the same question on ChatGPT, it will explain it to you point wise. Yes, so this has changed. Now writing something which was as monotonous for few people, ki unko different links khulne pad rahe hain, they are opening different links and then copying the same thing and then figuring out ki usme se important kya hai and then making it into an article, that has become easy. Yes, ChatGPT से आप एक simple सवाल पूछो, वो आपको एक simple terminology में point wise एक answer देने वाला है. रिसर्च असिस्टेंट्स में बहुत आसानी हो गई है टू गेट अ रिसर्च असिस्टेंट. जैसे कोई भी एक टॉपिक है जिसका हमें समरी लिखना है या हमें उसका साइन या दूसरे टर्मोलॉजी में बोले साइनोप्सिस लिखना है, बहुत इजी हो गया है वो. फिर एक टर्म्स है जहाँ पे राइटिंग असिस्टेंट्स की हमें ज़रूरत होती थी, तो टाइम्स एंड अगेन हमने देखा कि वी रिक्वायर पीपल टू हेल्प अस डू समथिंग अ पोर्शन ऑफ आर रिटन वर्क, बट अब शायद वो ईजी हो गया है और फास्ट हो गया है. ईजी से ज़्यादा जो एस्पेक्ट है वो है फास्ट हो गया है. एंड अभी आप देखो अगर ChatGPT में तो आप रीजनरेट कर सकते हो रिस्पॉन्स, आपको एक आंसर फॉर्मेट मिला, आप उस आंसर को चेंज भी कर सकते हो. सो वहाँ पे एक तरीके से एक ईज आ गई, टाइम सेविंग मैकेनिज्म की तरफ अगर ये जाता हुआ दिख रहा है. फिर एग्जाम प्रिपरेशन अगर कोई बच्चा कर रहा है और उसको लग रहा है कि उसको एक समराइज वर्जन में स्टडी करनी है, तो वो भी एक मेथड आ गया. बट अगेन आई विल से दैट दिस इज नॉट द रियल वे टू डू द एग्जाम प्रिपरेशन. वो जो अपने सिस्टमैटिक तरीके हैं कि क्लास में जो पढ़ाया गया है उसके नोट्स पर प्राइमरी फोकस करना है, बुक्स पर प्राइमरी फोकस करना है, और थोड़ा बहुत अगर हेल्प मिल पाए इंटरनेट से, सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल से, अगर आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है लास्ट मोमेंट में, तो वहाँ पर आप उसकी हेल्प लें. ChatGPT इज जस्ट टू सेव द टाइम. यस, और इसके अलावा अगर हम बात करें लीगल ट्रांसलेशन में भी ये हेल्प कर सकता है हमें, लीगल टर्मोलॉजी भी एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकता है, केस एनालिसिस पे भी हेल्प कर सकता है. बट यहाँ पे थोड़ा शायद मुश्किल आ रही है इस समय. अगर हम बात करें केस एनालिसिस में, अगर आप इसे फंडामेंटली सही तरीके के सवाल पूछेंगे, इफ़ यू हैड द राइट क्वेश्चन फॉर AI, इफ़ यू हैव द राइट क्वेश्चन फॉर AI, यू विल गेट अ सम वॉट राइट आंसर. यस, बट एज द प्लेटफॉर्म ऑल्सो सेज दैट द प्लेटफॉर्म इज लर्निंग, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म अभी खुद ही सीख रहा है. So, उसके आंसर पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. अगेन ये तो सब प्रोस थे, अब कॉन्स क्या है. कॉन्स क्या है कि व्हाट इंटरनेट डिड टू पीपल इज दैट कि सबकी रिकॉलिंग कैपेसिटी इज वेंट डाउन, लोगों ने याद करना बंद कर दिया. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से लोग और ज्यादा इसकी तरफ फोकस होंगे, जहां पे उनको पता है उनको आंसर मिलने वाला है अगले 2 सेकंड में या 3 सेकंड में या 1 मिनट में फॉर दैट मैटर. सो उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं वो शायद रिड्यूस होंगी. एंड अगेन सी, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे स्किल सेट मैटर्स करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उस स्किल सेट को आप चाहोगे AI रिप्लेस कर दे, तो दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. कुछ चीजें हैं वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस वाइल बिफोर यू इवन टेल देम व्हाट शुड बी द राइट आंसर. यस, सो वहां पे आई थिंक यू विल नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टडी, एंड उसके अकॉर्डिंग ओनली यू कैन आंसर द पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर सिचुएशन दैट व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. सो
इसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं. एंड व्हाट आई विल से इज दैट सी इट्स एन इनेबलर. टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज एन इनेबलर. ठीक है, इट्स देयर टू असिस्ट यू, इट्स नॉट देयर टू रिप्लेस यू. पॉइंट नंबर वन. एट टाइम्स एंड अगेन देयर हैज बीन क्वेश्चन दैट एआई विल रिप्लेस ह्यूमन पीपल, बट अगेन I don't know what is the perception behind it, but I always believe a technology has been created by human brain. This is a very, very important to understand. Technology is created by human brain, and human brain will always be superior to technology. Yes, so we need to understand that it is there, the technology, the artificial intelligence is there to help, support, assist, enable. Okay, and nothing more than that. Yes. So it's a high time when we can use it in education sector, but with a caveat ki the learning should not stop. This is just a medium to enhance your understanding, but it is not the end. You should always focus on the primary sources for education. That's all. Thank you.